कैसे हैं आप सभी? और आपको लगता है कि आपका बिजनेस बहुत नीचे जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा चिंता रहती है और आप बहुत खोए खोए से रहते हैं और प्रॉब्लम्स रहती है और सर रख के हाथ रख के माथे पर टेंशन में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से आपके बिजनेस की चिंता हो गई दूर, क्योंकि मैं आ गया हूं आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए और आपको कुछ ऐसे स्पेशल आइडिया देने के लिए ताकि आपके बिजनेस पावरफुल तरीके से आसमान में उड़ सके और आपके पास बहुत सारी ग्रोथ हो सके। यस, मैं अजय सिंह बिजनेस कोच आज आपसे बात करने वाला हूं किस तरीके से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। गाइस, बदलते दौर में खुद को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो आपके बिजनेस की टेंशन इतनी हो जाएगी कि आप हार जाओगे और आप कुछ टाइम बाद बिजनेस को क्लोज कर दोगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने स्टार्टअप तो बहुत तेजी से करते हैं पर उतने ही तेजी से वो अपने बिजनेस को भी बंद कर देते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है बिजनेस के अंदर, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है? पहले तो या तो आपने जो बिजनेस लिया है उसको आपने पूरे सही तरीके से रिसर्च नहीं किया। आपका बिजनेस क्या है? सर्विस है, प्रोडक्ट्स है। अगर ये दो ही चीजें बिजनेस में चलती है, एक होता है प्रोडक्शन का काम, एक होता है सर्विस देने का काम। अब ये दोनों ही चीजों में आपने कौन सी स्किल्स पे मास्टरी कर रखी है? अगर आपने अपनी स्किल्स पे मास्टरी कर रखी है तो शायद आप इस बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे, और आपने थोड़ा बहुत नॉलेज लेके अपने बिजनेस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बंद हो जाओगे, थोड़े टाइम में आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि बिजनेस नहीं आ रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं दुकान पे। तो क्या लगता है आप अपने कस्टमर को बनाए रखने के लिए आपके पास क्या ऐसा एक आइडिया होना चाहिए जिससे आप लोगों के बीच में जाके उस प्रोडक्ट या सर्विस को दे सकते हैं? पहला आइडिया सर्च करो, एक कॉपी लो, पेन उठाओ और आइडिया पे काम करना शुरू करो कि सोचो क्या ऐसा कर सकते हो जिससे कस्टमर आपके पास में आ रहा, और क्या ऐसा नहीं कर सकते जिससे कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा। तो ये दोनों ही चीजें आपको सोच के लिखो, आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार क्या ऐसा करने वाले हो, कौन सी जगह आप अपना पूरा एफर्ट्स लगाओगे। आइडिया आपके हैं, आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे ही आप अपने आइडिया लिखेंगे और उसको इंप्लीमेंट में लगा दो, सप्ते भर 10 दिन 20 दिन में आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड, मैन पावर की दिक्कत आ रही होगी। बहुत सारी जगह आप सोचते होंगे कि स्टाफ अच्छा नहीं मिलता है, आप स्टाफ को 9,000, 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी भी देते पर उनसे अच्छे रिजल्ट नहीं ले पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रॉब्लम्स को भी लिखो कि यार अच्छा स्टाफ नहीं होने के कारण हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पा रहे। तो आप सोचोगे आप कौन से स्टाफ को ऐसे हायर कर सकते हो, क्या ऐसी चीजें स्टाफ के साथ शेयर करोगे कि आपके बिजनेस को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। स्टाफ हायर करने के अंदर कुछ चीजें देखी जाती हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उनका इंटरेस्ट देखा जाता है और कैसे वो अपने आप को ग्रोथ लेके आ सकते हैं। स्टाफ के अंदर क्या वो आग है कि वो आपके बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं या वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इंटरव्यू लेते समय सेम यही सवाल पूछोगे, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं अगले 5 साल में या 3 साल में या 2 साल में? सामने वाले का जैसा जवाब आता है वैसा रिएक्शन आता है तो आप समझ लो कि वो कुछ नहीं देख रहा। अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी तो वो आपसे बात करेगा और बोलेगा हाँ सर यस 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 मैं ये बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ आपके साथ रहकर। पर अगर वो ऐसा नहीं बोलता है, नहीं सर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और इन चीज़ों के साथ में हूँ, मुझे अभी बस नौकरी चाहिए, पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, तो आप समझ लो एम्प्लॉय के अंदर जान नहीं है, वो सिर्फ अपने दुख दूर करने के लिए आ रहे हैं आपके साथ में। एम्प्लॉय को हायर करते समय आपको अपनी पोटेंशियल और अपनी स्किल्स दोनों ही यूज लेनी है और सामने वाले को प्रॉब्लम्स जो है, सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स है उसकी प्रॉब्लम नहीं देखनी, अपनी प्रॉब्लम देखनी, अपने बिजनेस को अपन कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके ऊपर आपको काम करना है। ओके,